फक शिट। और बहुत केयर भी करता हूँ मैं इसकी और बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। आज मैं वैसे सोलो मॉर्निंग राइड करने वाला हूँ, अमू मुझे आज ज्वाइन नहीं करने वाले। आप लोग गेस मारो क्या हुआ रहेगा। भाई पूरा आजू बाजू में जंगल है और कितना प्यारा लग रहा है। और ये नारियल के पेड़ देखे तो एकदम GTA याद आ रहा है। GTA Vice City खेलता था ना, उसमें से नारियल के पेड़ दिखते थे बहुत सारे, बीच वगैरह, तो उसकी याद आ रही है मुझे तो एकदम। देखा आपने, बिना क्लच के R15 V3 में क्विक शिफ्टर आ गया है। बहुत सही लोकेशन, मुझे गाली देने वाली हो। हॉर्स राइड करते और ADV राइड करते और कैमल राइड करते, लेकिन हम लोग भाई वी आर बाइकर्स, वी नीड दिस। एक हाथ से टर्न मार पाऊंगा क्या? गिर नहीं जाऊंगा ना। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज अभी बज रहे सुबह के 6 और आज है संडे, तो हम लोग जा रहे हैं संडे राइड पे। बहुत मज़ा आने वाला है। ऑलरेडी मैं कौशिक के यहाँ पे आ चुका हूँ घर से निकल के, और आज पहली बार तो नहीं लेकिन विंटर के बाद पहली बार मैं नहा के मॉर्निंग राइड पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ गया था 5 बजे, 6 बजे राइड पे निकल रहा था, तो 5 बजे उठ गया था। आपको पता है राइड की एक्साइटमेंट भाई हमें सोने नहीं देती, तो उठ गया था। तो फिर मैंने बोला कि बहुत टाइम है, आधा एक घंटा तो नहा लेता हूँ, तो भाई नहा लिया। लेकिन अभी बहुत फ्रेश फील हो रहा है, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। अभी खाली कमी एक चाय की, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और जाके अपने बाकी राइडर फ्रेंड से मिलते हैं। बाकी गाइस अपने ऑरा को चेकआउट करो, कितनी प्यारी लग रही है भाई। मैंने सुबह सुबह पता है मतलब 5 बजे उठ के इसको क्लीन करा है, मस्त पानी वगैरह स्प्रे करके एकदम मस्त से पोंछ के, मतलब भाई मुझे इतना प्यार है ना इससे। मैं इसके लिए सुबह क्या रात को उठ के भी 2-3 बजे इसे क्लीन कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने ऑरा। और बहुत केयर भी करता हूँ मैं इसकी और बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो मज़े लेंगे पूरे आज ऑरा के, क्योंकि हाईवे रहने वाला है और ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर सिर्फ जाना है और आना भी है अलग से, तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। नंबर प्लेट अंदर रख रखी है मैंने, पर वो निकाल लूँगा बाद में जब हाईवे पे जाऊँगा। आज मैं वैसे सोलो मॉर्निंग राइड करने वाला हूँ, अमू मुझे ज्वाइन नहीं करने वाले। आप लोग गेस मारो क्या हुआ रहेगा, मेरा उससे झगड़ा हुआ है या फिर कुछ और हुआ है क्या? आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा वो क्यों नहीं आया आज मेरे साथ राइड पे, तो अगला व्लॉग भी ज़रूर देखना। मम्मी को बोलो कंप्लेंट की लाए। वैसे तो हाइट मेरी भी कम है, मस्ती कर रहा है इसे। पूरा कंक्रीटाइजेशन हो रहा है यहाँ पर, मतलब पूरे रोड कंक्रीट के बन रहे हैं, ये भी सही है। कई जैसे रात में ना कंक्रीट के रोड पे ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है। गुड मॉर्निंग। तो लेट्स गो भाई, सब लोग मिल गए आगे, और एक जन हमें मिलने वाला है अपना कल, जो सब्सक्राइबर भाई मिलने आया था ना, पूछ रहा था तुम्हारा कोई प्लान है राइड का तो बताओ। तो हमने बताया था कि आज जाएंगे राइड पे, तो उसे भी बुला लिया था भाई, बोला कोई दिक्कत नहीं आ जा तू भी चलते है करके। वो बोल रहा था कि भाई मेरे पास स्प्लेंडर है। मैंने बोला अरे भाई कोई भी बाइक चलेगी अपने साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ी बाइक चाहिए या ऐसी बाइक चाहिए, यही चाहिए, आराम से आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस मैं आपको बताना भूल गया, मेरा हॉर्न भी ठीक हो गया है। पहले तो चल ही नहीं रहा था, हालत ख़राब हो रही थी। अभी जब भी मैं ऐसा ओवरटेक करता हूँ ना तो मुझे ऐसे हॉर्न लगता है, तो फाइनली मेरा हॉर्न भी ठीक हो चुका है। एक स्कूटी भी आज साथ में भाई। अभी सुबह का टाइम है ना, बहुत ठंडा फील हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि विंटर में जो दिन का टेम्परेचर रहता था ना, मतलब सुबह 10 बजे का टेम्परेचर रहता था, वो टेम्परेचर अभी लग रहा है। ए कौवे मामू हट जा, क्या रिएक्शन था बंदे का भाई, पूरा पलट पलट के देख रहा था। फक शिट, हु डिड दिस? हिला गया नसीब भाई। अपना जो सब्सक्राइबर भाई एक कार लेके आया, उसको बोला था बाइक लेके आने, लेकिन उसके बाइक के बोल रहा था कि पेपर क्लियर नहीं है इसलिए वो कार लेके आया। पर वही है यार, जो बाइक में मज़ा आता है ना वो कार में नहीं आ पाता। कार में कैसा कंफर्ट रहता है, हमने रोड देखो कितना प्यारा है, ये पूरा फ्लाईओवर है और कितना सही दिख रहा है यार। जैसे मैंने आपको बताया आज संडे है, तो बहुत सारे राइडर्स हमें दिख रहे हैं ऑन द गो। संडे पे तो भाई मोटो व्लॉगर दिखना फिक्स हो ही जाता है। नॉर्मली भाई व्लॉगर्स वगैरह कभी दिखते नहीं है, लेकिन संडे को आप बाहर निकलो तो मोटो व्लॉगर्स आपको दिखने ही है बहुत सारे। तो ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब फैमिलियर लग रहा है, ऐसा लगता है कि हम अपनी वाली दुनिया में आ गए, यहाँ पे हर जगह व्लॉगर वगैरह है। वैसे कहीं मैंने आपको बताया नहीं होगा, करंटली हम लोग भिवंडी में, और भिवंडी से जा रहे हैं सुरुचि बीच। भाई मौज तो इनकी है, फुल कंफर्ट, आराम से मस्त से झूलते हुए जा रहे हैं। वैसे तो इसने ना थर्ड लेवल पे रख रखी है इसकी शॉकअप की सस्पेंशन सेटिंग, और 10 सेटिंग्स है इसमें टोटल, तो समझो भाई कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक्सपल्स ऑफ रोड मशीन है ना भाई, ऑफ रोड के लिए बनी हुई है, आपको फील ही नहीं होते गड्ढे वगैरह। हाईवे पर तो भाई अपने ऑरा ही किंग है, मज़ा तो इसी को चलाने के लिए आता है, इसको चलाने जो मज़ा आता है ना, नेक्स्ट लेवल भाई। गाइस फाइनली हमारे सूरज देवता ने मस्त वाला दर्शन दे दिया है,
मतलब सनराइज हो चुका है, बहुत प्यारा दिख रहा है सनराइज। एक्चुअली मैं गाइस मॉर्निंग की ना वाइब से अलग होती है, मॉर्निंग राइड का एक्सपीरियंस ना गाइस टोटली अलग होता है और हर राइड में अलग एक्सपीरियंस मिलता है। ऐसे नहीं कि आप एक बार जाओगे तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, हर बार वो स्पेशल वाली फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है लिटरली। एंड मेन थिंग इज कि एवरी टाइम यू एन्जॉय एंड एन्जॉय मोर, जस्ट यू नीड टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, नॉट द सेम प्लेस ऑन एवरी राइड। हाँ ठंडा है इधर पे थोड़ा, गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर ना फॉग वगैरह भी, अरे माँ की आँख क्या कर रहा है ये, पूरा धुआं धुआं सुबह सुबह कर दिया आँखें रोड में। गाइस एज यू कैन सी यहाँ पर ना फॉग वगैरह भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा जंगल टाइप में आ गए, अभी टेम्परेचर भी बहुत गिरा हुआ है। अब थोड़ा सा दोपहर हो जाएगा ना तो टेम्परेचर बहुत रेज हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी, बाइक चलाने का मन ही नहीं करेगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, दोनों साइड में पूरा जंगल ही जंगल है और पूरा ओपन फील्ड से दूर तक और पूरा फॉग जमा हुआ है यहाँ पर, और कितना ठंडा कितना प्यारा लग रहा है सीन्स भाई लिटरली। और मतलब एकदम ऐसी वाइब आ रही है ना, मैं गांव आ गया, गांव की याद दिला दिया यार ये जगह ने, बहुत प्यारा लग रहा है। एक बात तो है यार, मॉर्निंग राइड्स हिट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, और एवरी टाइम यू गो ऑन मॉर्निंग राइड यू गेट डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड लुक एट दिस भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितने सारे पंछी इधर पे दाने नोच रहे, अब दाने या कीड़े वो वही जाने, पर सही भाई बहुत सही लग रहा है। जब हम मॉर्निंग राइड करते हो तो आपको फ्रेश फील होता ही है, और अभी तो मैं नहा के मॉर्निंग राइड कर रहा हूँ तो डबल फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, फुल एनर्जी है। गाइस दिस इज़ ब्यूटीफुल यार, दिस इज सो डैम ब्यूटीफुल, वाओ भाई। कैमरे से हर चीज़ एक्सप्रेस करना ना उतना पॉसिबल नहीं होता, हम लोग खाली 20% ही एक्सप्रेस कर पाते हैं आउट ऑफ 100% जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग फील करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, रिफ्रेशमेंट के लिए ज़रूरी है, चाय आ गई है, मज़े लेते चाय के फिर आपसे मिलते हैं। चलो भाई टाइम टू रोल बैक ऑन द रोड्स, मज़ा रिटर्न से लेंगे, अभी अच्छा रोड आने वाला है। अभी क्या हमारा हो चुका है, हम लोग निकल चुके हैं अभी मस्त से रिटर्न, डेस्टिनेशन अभी यहाँ से ऑलमोस्ट है कुछ हाफ एन आवर दूर। गाइस फाइनली वी आर कनेक्टेड टू द हाईवेज, अब मज़ा आएगा बहुत भयंकर, अभी क्योंकि रोड पूरा प्लेन रहेगा, अभी बिल्कुल ऑफ रोड वगैरह नहीं मिलेगा, अभी असली मज़ा आएगा राइड का। बस भगवान करे अच्छे से सब लोग आ जाए, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, बस यही चाहता हूँ, और बस मज़े ले इस राइड का भाई। वाइब देख रहे हो, 3 बाइक्स रोलिंग टुगेदर ऑन हाईवे भाई, क्या ही मज़ा आता है, नेक्स्ट लेवल वाइब है, बहुत सच्ची में वाइब है। मुझे एकदम इंसेन वाली लॉन्ग राइड्स करनी है, ऑलमोस्ट 10-12 दिन की जो राइड होगी मतलब, तो क्या फील होगा, क्या वाइब होगी, नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा। दिन भर रात भर हम लोग बाहर घूमते हुए एंजॉय करते हुए, क्या ही मज़ा आएगा भाई। बहुत वेट है उस दिन का, आपके लिए बहुत सी चीज़ें रहती है, ऐसे नहीं है कि आप खाली पेट्रोल के पैसे बना लो और निकल जाओ, क्योंकि पेट्रोल के सिवा भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें देखनी रहती है, और बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें मैनेज करनी रहती है, तो हर एक चीज़ सोच के समझ के बैकअप के साथ जाना रहता है, इसलिए थोड़ा डिले रहता है इन चीज़ों में, वरना प्लान तो क्या, बस बना लो और फ्यूल के पैसे 10-20 हज़ार जमा के निकल लो, जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रहती है गाइस, इसलिए इतनी बड़ी राइड्स उतनी आसान नहीं होती। कोई बात नहीं, जल्दी करेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे। भाई हम लोग रुके हैं हमारे बाकी मेट्स के लिए, क्योंकि वो लोग अभी तक आए नहीं है, और इसी बहाने थोड़ा सा बॉडी स्ट्रेच भी करने मिल जाता है, क्योंकि पता है R15 को ना मेरा लिटरली कमर जाम हो गया, ऑफ रोड में इसे चलाना ना थोड़ा मुश्किल है भाई, हालत ख़राब हो जाती है, इट फील्स मोर ऑफ टॉर्चर, बाकी हाईवेज में तो इसे बहुत मज़ा आता है चलाने के लिए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन ब्रो, हैं स्माइल तो देखो लोंडे की, अबे ऐसा लगता है तो देखता ना तो अलग अलग टाइप की गाड़ी लगती है ना, मतलब यमा की एक्स लगती है, क्या एग्जॉस्ट कौन बोला, बैन हुआ है ना, हाँ बैन है, तो तू क्या बोल रहा है, भाई वो कार में बेचारा अकेला जा रहा है, उसे कितना बोर हो रहा रहेगा ना। देखो मानते कंफर्ट तो पूरा है, लेकिन जो बाइक का फील है ना वो कार में नहीं आता, और जो कार का कंफर्ट है वो बाइक में भी नहीं आता, वो अलग बात है, बट अभी फिलहाल वो कार में अकेला है। अभी हम लोग कैसे राइड कर रहे, तो एक दूसरे के साथ मस्त से रह रहे, आराम से मस्त चल रहे, मज़े कर रहे, वो बेचारा या तो ट्रैफिक में फंस जाता है या अलग रह जाता है, अलग छूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम रहता है। रोड थोड़ा नैरो हो चुका है, हम लोग गांव के अंदर से निकल रहे हैं, एंड आई नेवर बीन टू दिस प्लेस बिफोर, सो इट्स गोना बी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। यू कैन सी नारियल के पेड़ भाई, बीच की निशानी,
और जिस बीच पे हम लोग जा रहे हैं उसको मिनी गोवा भी बोलते हैं भाई। पूरा आजू बाजू में जंगल है और कितना प्यारा लग रहा है, और ये नारियल के पेड़ देखे तो एकदम वो वाली वाइब आ रही है। मुझे तो GTA याद आ रहा है, GTA वाई सिटी खेलता था ना, उसमें से नारियल के पेड़ दिखते थे बहुत सारे बीच वगैरह, तो उसकी याद आ रही है मुझे तो एकदम, मतलब वर्थ हो गया यार आना यहाँ पर। अभी तो हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचे भी नहीं है गाइस,